हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि केरल के वायनाड जिले में एक पहाड़ी इलाके पे ज़्यादा पैमाने पर बारिश पड़ी और उस हादसे में जो है तमाम लोग घायल हो चुके और तमाम लोग जो है मलबे के नीचे दब के घायल हो चुके हैं। लेकिन आपको ये ख़बर सुनकर थोड़ी सनसनी सी लगने वाली है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उस सरकार ने जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। उसमें जो है आज राज्य के मंत्री ने जो है उसमें जो घटना हुई उसके वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केरल के वायनाड जिले में जो है चारों तरफ जो है पानी की लहरें छाई हुई हैं और वहां के लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं वहां के बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग जो हैं वहाँ मारे जा चुके हैं और ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो है इसमें आप देख रहे हैं वीडियो में कि कुछ जगह ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो है कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ जो है तेज़ रफ्तार से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन आँखों से देखने वाली बात यह है कि आप वीडियो में देखें कि चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तबाही ने अपना तांडव पूरा बना रखा है। लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केरला वायनाड के इलाके में ऐसा क्या हुआ कि इतनी मूसलधार बारिश की वजह से जो है तमाम लोग घायल हुए और वहां के जो है बताया जा रहा है कि वहां का एक जो गांव है वो तो पूरी तरह से इधर गिधर हो चुका है। लेकिन आप वीडियो में देखें कि आपको पता चलेगा कि तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम होती है वह वहाँ पर पहुँची और वो मलबे में से कुछ लोग निकालने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम में मलबा फैला हुआ है और आप देखें वीडियो में कि किस तरह से जो है तमाम में लकड़ और लकड़ियाँ जो हैं इतनी एक तरफ पानी की तेज़ रफ्तार की वजह से एक तरफ इकट्ठा हो चुकी है और जिसकी जगह से जो है ये वायनाड में ऐसा जो पहली बार हुआ है बताया जा रहा है। लेकिन राहत पहुंचाने के लिए हमारे राहुल गांधी ने इसका गम जताया है और सीएम को लेकर यहां अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको बताने की बात ये है कि वहां के इलाके जो हैं कुछ तो बिल्कुल बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन आपको जो है केंद्रीय मंत्री और जो भाजपा के एक अध्यक्ष हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया, लेकिन इस घटना में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्यवाही की जाएगी। इस बात के हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा जो है वो लागू नहीं हुई। वो जो भी बात निकल के आएगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से अगली वीडियो में बता दी जाएगी। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इतनी बारिश पड़ने के बाद जो है कि कुछ गाँव जो हैं जो पहाड़ी के इलाके पड़ते हैं उसमें जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आप वीडियो में देखें कि किस तरह से रेस्क्यू टीम आई और उन्होंने लोगों की मदद की और बहुत से लोग जो हैं सीएम से ज़्यादा अधिकारी जो हैं उनसे निर्देश लिया और तमाम लोग जो हैं वहां इकट्ठे जुड़े हुए हैं और जहां पे जो है तबाही मची थी, जहां बारिश ने अपना तांडव किया था वहां कई लोग जो हैं वो घायल हो चुके थे और कुछ लोग जो हैं वहाँ मलबे की वजह से दब के घायल हो चुके और कुछ जो लोग हैं वो तुरंत ही मौके पर उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन आपको जानना जो है, लेकिन बताया ये जा रहा है अभी कि जल्दी अधिकारी वहां का जो है वायनाड का दौरा करेंगे और घटना के बाद जो है आपको जो है ये देखने को ज़रूर मिलेगा दूसरी वीडियो में कि किस तरह से बारिश ने अपना तांडव मचाया। लेकिन आप देखें इस वीडियो में कि किस तरह से जो है इस वीडियो में जो है, लेकिन रेस्क्यू जब ऑपरेशन हुआ उसमें लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टरों का इंतज़ाम किया और उसमें जो है लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन आप देखें इस मंज़र को देखें कि किस तरह से इसको एक कहर भी मान सकते हैं, ये एक अजाब भी मान सकते हैं क्योंकि हादसे में दर्जनों के हिसाब से मौतें हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लकीरें यहाँ बारिश की भी दिखी जा रही हैं। आप देखें कि ये जो ज्वाला वाला होती है उसका जो है अलर्ट भी बताया। लेकिन आप बारिश देखें कि किस तरह से पानी तेज़ रफ्तार से बह रहा है, क्योंकि कई लोग जो है घटना में गंभीर रूप से पाए गए हैं जिनको जो है बचाना नामुश्किल है। लेकिन मौके पे टाइम पे ही जो है उन लोगों को जो है
एम्बुलेंस के थ्रू उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन कई कर्मचारियों की वजह से जो है कई लोग जो मलबे में दबे थे उनको बचा लिया, लेकिन एम्बुलेंस से उन लोगों को बचा लिया गया जो रेस्क्यू टीम जारी की गई थी, लेकिन उसकी वजह से कई लोगों को बचा लिया। लेकिन उसके बाद में ये पता चला कि केरल के वायनाड ज़िले में जो ये हुआ ये एक हैरतनाक खबर है, और ये हैरतनाक जो है ये एक ऐसी पहली बार ऐसा हुआ जो इतनी मूसलधार बारिश हुई और तमाम इलाके जो है वहाँ के छोटे जो गांव पड़ते थे वो बिल्कुल बह चुके हैं, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो है कई इलाकों की ट्रेनें जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को मानना वो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझकर अच्छा लगेगा कि ऐसे इलाके में जो है जब इतनी बारिश पड़ी, आपने चारों तरफ बारिश देखा, लेकिन जो लोग मलबे में दबे थे अच्छी बात ये है कि उनको सही टाइम पर बचाकर जो है उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है, और जो मौके पर जिनकी मौत हो चुकी थी और उनका तो खैर कुछ नहीं हो सकता, और जो उनके घर वाले हैं उनको सरकार से अपील है कि कुछ ना कुछ उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन आप देखें कि किस तरह से पानी ने घरों को खोखला कर दिया नीचे से, अभी तक वहां का पानी जो है ठहरा हुआ है, अभी भी पानी कहीं नहीं गया है। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, और इसमें अगर कोई भी किसी से रिलेटिव कोई भी अगर बात बोली हो तो वो किसी के निर्देश को और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इसमें कोई बात नहीं बोली गई है, और ये सिर्फ एक जानकारी के लिए वीडियो है, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तमाम को पता चलना चाहिए कि केरला के वायनाड इलाके में ऐसा हादसा हुआ जिसमें जो है तमाम गाँव बह चुके हैं और तमाम लोग घायल हो चुके हैं और मलबे में दब चुके हैं। ऐसे ही आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ बने रहें सद्दाम हुसैन अज़हरी चैनल पर।